a single assumption from an umpire who sees a World Cup to a well-deserved New Zealand team. Today, we're going to talk about a most controversial decision by Kumar Dharmasena in World Cup Final 2019. July 14, 2019, लॉर्ड्स, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। वो न्यूजीलैंड टीम जो लगातार दूसरी बार फाइनल खेल रही थी 2015 के लॉस के बाद 2019 वर्ल्ड कप में नए रन रेट के चलते पाकिस्तान से आगे बढ़ के क्वालिफाई किया था और सेमीफाइनल में इंडिया जैसी टीम को 240 जैसे टोटल डिफेंड करके आई थी। फाइनल में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करने का फैसला करती है और वो फैसला उनका इतना अच्छा साबित नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हेनरी निकोल्स के 55, विलियमसन के 30 और टॉम लेथम के 47 के बदौलत न्यूजीलैंड 241 के टोटल पे पहुंच जाती है, जो कि डिफेंडेबल भी लग रहा था क्योंकि टेबल टॉपर्स इंडिया को सेमीफाइनल में 240 पे डिफेंड करके आए थे। इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वॉक्स और प्लंकेट ने 3-3 विकेट लिए थे। अब बारी आती है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की तरफ से जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो की ओपनिंग पार्टनरशिप होती है, लेकिन उसके बाद 86 रन पे इंग्लैंड 4 विकेट गंवा देती है। और तब बेन स्टोक्स एंड जोस बटलर एक हिस्टोरिकल पार्टनरशिप कर देते हैं। दोनों अपनी हाफ सेंचुरीज पूरी करते हैं और जोस बटलर की विकेट 196 रन पे गिरती है और वो 59 पे आउट हो जाते हैं। लास्ट ओवर 15 रन और न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग करने आते हैं न्यूजीलैंड के सबसे अच्छे बॉलर ट्रेंट बोल्ट। पहली दो बॉल ट्रेंट बोल्ट डॉट निकाल देते हैं, पहली बॉल एक परफेक्ट यॉर्कर डालते हैं और दूसरी बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप में डालते हैं। नेक्स्ट बॉल ट्रेंट बोल्ट स्लॉट में डालते हैं और बेन स्टोक्स उसे लेग साइड पे 6 रन के लिए मार देते हैं। और अब इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे 3 बॉल पे 9 रन। और तभी इस पूरे वर्ल्ड कप फाइनल का डिसाइडिंग मोमेंट होता है। नेक्स्ट बॉल पर ट्रेंट बोल्ट एक फुल टॉस डालते हैं और बेन स्टोक्स उसे लेग साइड पे खेल देते हैं। बॉल मार्टिन गप्टिल के पास जाती है और वो कीपर एंड पे थ्रो करते हैं। बेन स्टोक्स 2 रन पूरे करने के लिए एक डाई लगाते हैं, लेकिन बेन स्टोक्स के बैट को लग के बॉल बाउंड्री की तरफ चली जाती है और इस मोमेंट ने फाइनल का पूरा रिजल्ट ही बदल दिया। और अंपायर कुमार धर्मसेना वहाँ पे डिस्कशन करने के बाद 6 रन देते हैं, जो कि एक मिस्टेक थी क्योंकि अकॉर्डिंग टू ICC रूल 19.8, जब भी बैट को लग के ओवर थ्रो होता है तब सेकंड रन तो ही माना जाता है अगर बैट्समैन ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है। लेकिन यहाँ पे जब कप्टिल ने थ्रो किया था तब रसीद और स्टोक्स दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, तो उस हिसाब से सिर्फ 5 रन देने चाहिए थे और स्ट्राइक भी आदिल रसीद के पास रहनी चाहिए थी। और अगर ऐसा होता तो ट्रेंट बोल्ट को आदिल रसीद के सामने 4 रन डिफेंड करने को मिलते अगली दो बॉल पे। उसके बाद के नेक्स्ट बॉल पे सिंगल रन लेकर मैच सुपर ओवर तक चला जाता है और अंपायर से सिर्फ एक डिसीजन ने पूरा वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के हाथों से छीन लिया। इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप को जीत जाती है। आगे जब कुमार धर्मसेना को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, आई नेवर रिग्रेट ऑन दैट डिसीजन, आई अज्यूम कि वो दोनों क्रॉस कर चुके हैं। और अंपायर के इस एक असम्पशन की वजह से न्यूजीलैंड टीम ये वर्ल्ड कप हार जाती है। केन विलियमसन मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं और कई क्रिकेट फैंस के दिल जीत लेते हैं, लेकिन खराब अंपायरिंग, खराब लक और बेहुदा रूल्स की वजह से वो वर्ल्ड कप हार जाते हैं।